मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको बीजगणित का मूलभूत सिद्धांत बताने जा रहा हूँ। आधार होगा, आधार के बिना किसी भी विषय वस्तु की तैयारी हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं आधार देने का कोशिश करूँगा। मेरा उद्देश्य होगा सिर्फ एक शब्द समझाने का, ए। अगर ए में समझा दिया तो अलजेब्रा यहीं से शुरू होता है और यहीं पर अंत हो जाएगा, और अगर आप इसे समझ सकते हैं तो अलजेब्रा बहुत आसान हो जाएगा। आइए ए में क्या क्या चीज छिपा हुआ है, चार तत्व छिपे हुए हैं। पहला, अगर कोई संख्या नहीं है तो हम धनात्मक मानते हैं, यानी पहला चिन्ह। दूसरा, अगर कुछ नहीं है तो हम जैसे 1 × 2 = 2, 1 × 1 = 1 लिख सकते हैं, 1 × आम = आम। तो इसमें छिपा हुआ है प्लस 1 × 1 प्लस, नहीं जरा सा, हाँ ठीक ठीक है, तीसरा है आपका अंग्रेजी माला का छोटी अक्षर ए। एक चिन्ह, पहला चिन्ह, पहला चिन्ह, दूसरा संख्यात्मक मान, तीसरा अंग्रेजी माला का छोटी अक्षर, अक्षर जिसे हम चर कहेंगे, जिसे हम चर राशि कहेंगे, और संख्यात्मक मान को हम अचर राशि कहेंगे, और चौथा है आपका घात, पावर, यानी पावर प्लस 1 × 1 = 1। ये चार चीज अगर हम अलजेब्रा को समझना है, अगर ये समझ जाते हैं, ए को समझते हैं, तो हमारा यहाँ पर हल्का हो जाता है अलजेब्रा, बहुत आसान। जैसे हम बारी बारी से बात करेंगे, पहले चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है। चिन्ह दो ही प्रकार का होता है, चार प्रकार का, प्लस माइनस गुना और भाग। पूरे गणित में चार ऑपरेशन, या तो जोड़, घटाओ, गुना, भाग। अब आइए हम यहां बात करते हैं चिन्ह, चूंकि जब अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो हम चिन्ह की बात करते हैं। तो चिन्ह में हम प्लस और माइनस को देखते हैं, प्लस और माइनस को। ये प्लस और माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव, थोड़ा सा भिन्न अर्थ में समझिए। प्लस का मतलब है और माइनस का मतलब हैव नॉट, मेरे पास नहीं है। अगर ये शब्द को हम प्रयोग करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है पूरे जोड़ और घटाव का, कि प्लस और माइनस का अर्थ अगर हम समझ लें तो बहुत ही आसान गणित हो जाता है। जैसे अगर हम माइनस 100 और प्लस 20 लिखते हैं तो हम यहां जोड़ते थे 120 आना चाहिए, लेकिन नहीं, माइनस का मतलब मेरे पास नहीं है, कर्ज है, और प्लस 20 का मतलब मेरे पास है, तो मैं बेईमान नहीं हूं, इसको दूंगा, तब भी माइनस 80 रुपये बचेंगे मेरे पास। यहां चिन्ह जोड़ का हो रहा है लेकिन घट रहा है, यही समझना है। माइनस का मतलब हम चिन्ह का इसलिए बार बार प्रयोग कर रहे हैं कि चिन्ह अगर हम समझ जाते हैं, प्रश्न, हर एक प्रश्न आपसे कुछ सवाल आपको संकेत देंगे। और जैसे यहां -100 - 200, यहां घटाने का चिन्ह देखने में आ रहा है लेकिन क्रिया हो रहा है जोड़ने का, -300। जब यहां घटाने का चिन्ह है तो
क्रिया हो रहा है जोड़ने का, जुट रहा है, जो जिसका मतलब है कि 100 कर्ज है और 200 कर्ज हमने और रखा है, ले रखा है, तो मेरे पास कर्जों की संख्या 300 है, यानी यहां घटाव नहीं हो रहे। उसके बाद इसके पहले हमको एक चीज और बताना भूल गए कि बीजगणित का घर कहां है, ये कहां से इसका उद्गम होता है, कहां से शुरुआत होता है। चूंकि हमने चिन्ह का प्रयोग लाया ले आया प्लस और माइनस, आखिर इसका घर अगर आप नहीं पहचान पाएंगे तो बीजगणित का आपको पता नहीं चलेगा। जब हम नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। जब हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो जीरो से शुरू होता है और ये अनंत तक जाता है। ये सारे मान प्लस हैं, लेकिन माइनस माइन कहां से मिलेंगे, वो कहां पर है, जबकि इसका घर में माइनस भी छिपा हुआ है। तो इसका तो पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है, तो हम हमारा उद्देश्य यहां माइनस को लाना है। तो माइनस कहां से मिलेगा, किस घर में है, तो है उसका नाम है इंटीजर, पूर्णांक, जिसका नाम है पूर्णांक, जहां धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान, यानी प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान शून्य, प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान प्लस शून्य और प्लस प्राकृतिक संख्या के धनात्मक मान। ये सारे समाहित रहते हैं पूर्णांक में, वैसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को स्थान देता है, यानी पूर्णांक। अलजेब्रा का घर पूर्णांक होगा, अलजेब्रा का घर पूर्णांक होगा। अब आइए बात करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज सीखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमने चिन्ह का प्रयोग किया था, चिन्ह को सिखा रहे थे आपको, चिन्ह ये अगर समझ गए तो अलजेब्रा बहुत ही हल्का है। एक क्वेश्चन आया था कि आपके पास बच्चे आते हैं और जो अलजेब्रा कुछ नहीं जानते हैं, एकदम नहीं, कोरा है, कुछ नहीं जानते हैं, एक उन्हें सीखना है, सिखाना है, कैसे सिखाएंगे। तो अगर हम उनको सिर्फ प्लस और माइनस का अर्थ समझा दें तो मेरा उद्देश्य सफल हो जाएगा, अलजेब्रा हम यही समझा दें। तो हमने आपको देखा था कि प्लस का मतलब मेरे पास है, माइनस का मतलब मेरे पास नहीं है, और ये आपको आधार देगा, अलजेब्रा का आधार देगा। प्लस का मतलब जोड़ और माइनस का मतलब घटाओ से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा अर्थ को समझे, यानी मेरे पास नहीं है। आइए इसी से हम देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास माइनस 200 है और प्लस 300 है, यहां नीचे में चिन्ह प्लस का है, क्रिया क्या होगा, यहां जोड़ रहे हैं लेकिन मेरे पास सिर्फ प्लस 100 बच रहे हैं, यानी 200 रुपया कर्ज जो हम लिए हैं इसको हम लौटा रहे हैं 300 को, और मेरे पास 100 रुपया धनात्मक। यानी इसमें हमने एक चीज महत्वपूर्ण चीज निर्णय दिया कि जो मान, जो धनात्मक अगर संख्या ज्यादा है तो धनात्मक रखेगा, अगर ऋणात्मक का मान ज्यादा है तो ऋणात्मक रखेगा। जोड़ होगा कि घटा होगा, ये प्रश्न बताएंगे कि ये क्या करना है, ये हर एक हिसाब में वैरी करेगा, ना कि आप अर्थ दें। जैसे मान लीजिए प्लस 300 प्लस 200 माइनस 900, आप क्या करेंगे, इसका मतलब है कि इसको जोड़ देंगे, प्लस 500 माइनस 900 बराबर माइनस 400, कौन क्रिया क्या हुआ ये देखिए, इसका मतलब है कि जो जोड़ है एक साथ लाए और उसके बाद
जो उसमें कर्ज की संख्या उसको देने के बाद भी मेरे पास 400 रुपया कर्ज बचे रहे हैं। यह समझना बहुत ही जरूरी है। तो हम बात कर रहे थे चिन्ह का, ए का, हमें समझाना है आपको ए, हमें समझाना है ए। अगर ए समझ गए तो यहां पर बीज गणित का मूल सिद्धांत हम बताने में सक्षम होंगे। आइए देखते हैं इसका प्रयोग। पूरे गणित में चार ऑपरेशन, पहला जोड़, दूसरा घटाओ, तीसरा गुणा और चौथा भाग। अब ये मतलब क्या होता है, यहां हम आपको पहले बता दिए हैं कि ए का मतलब 1 गुना a बराबर a। अगर हम a में a जोड़ते हैं तो इसका मतलब पहले चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यहां कुछ नहीं है तो प्लस दिखा रहा है, एक मतलब एक और एक मतलब एक। बहुत बच्चे डर जाते हैं कि हम क्या करें, इसका मतलब अगर एक यहां पर हम आम दे दें तो एक आम जोड़ एक आम दो आम, ए बराबर अगर आम है तो इसका मतलब है एक आम और एक आम दो आम, दो ए या दो आम, बहुत सरल है, कुछ नहीं है। अगर ए में ए हम घटाते हैं, यहां माइनस है प्लस, तो एक आम था और एक आम नहीं है, इसका मतलब जीरो। लेकिन अगर गुना और भाग में आते हैं तब खेल कुछ और देख करना पड़ेगा। अब यहां पर एक चीज आपको जानना होगा, अगर आप पहले हम उम्मीद करते हैं पढ़ लिए होंगे, अगर आपको शिक्षक नहीं बताए होंगे तो चार चीज याद रखिए, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस और माइनस गुना प्लस बराबर माइनस। ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, यहां पर संख्या छिपा हुआ है एक, एक गुना एक, इस तरह से हो रहे हैं, यानी प्लस एक, इस पर पावर एक है, इस पर पावर एक है। तो आप जानते हैं कि आधार जब एक होगा नीचे को आधार तो पावर जुड़ते हैं। अब आइए हम भाग में देखते हैं, अगर अब ये क्या होगा, यहां भी भाग में भी चिन्ह यही काम करते हैं, प्लस भाग प्लस बराबर प्लस, माइनस भाग माइनस बराबर प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस भाग माइनस बराबर माइनस, ये भी महत्वपूर्ण है, यानी गुणा और भाग का चिन्ह एक होता है, गुणा और भाग का चिन्ह एक होता है। हाँ हेलो प्यारे बच्चों, बोलने के क्रम में लिखाने में लिखावट में गलती हो गया, यहां हमने प्लस डाल दिया जो गलत होगा, ये प्लस ए गुना ए स्क्वायर ये सही है और ये गलत है। अब हो गया, तो आप यहां पर चिन्ह का प्रयोग जरूर याद रखिएगा, गुना और भाग में चिन्ह चलते हैं। अब आइए देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं भाग का। आप देखिए प्लस भाग प्लस बराबर प्लस, ए बटा ए, अगर आधार एक हो तो पावर, इस पर पावर एक है और एक्स पर पावर जीरो बराबर एक, एक दो पर पावर जीरो बराबर एक, एक हजार पर जीरो पावर एक, यानी ये कह रहा है एक माइनस एक प्लस जीरो बराबर। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आप उसको काट सकते हैं बराबर एक, यानी
ए में भागा ए जब डालते हैं तो ये गुना लेते हैं और ये कट जाता है तो बराबर ए ही बचेगा, एक बचेगा, भागफल एक आएगा। तो आप अभी तक आपने सीखा प्यारे बच्चों कि ए में जब ए जोड़ते हैं तो दो ए, ए में एक घटाते हैं तो जीरो, और ए में एक गुना करते हैं तो ए स्क्वायर, और जब ए में ए भाग देते हैं तो ए। चार उत्तर बनाते हैं, सभी अलग अलग बनाते हैं, जहां दो ए, जीरो, ए स्क्वायर और ए। ये आप स्पष्ट रूप से समझिए कि अगर आप ये समझ जाते हैं तो अलजेब्रा आपका बहुत ही हल्का हो जाता है। सबसे पहले हम उद्देश्य बताते हैं इसका, अलजेब्रा का प्रयोग कहां होगा और क्यों मुझे सीखना चाहिए। जब हम बीजगणित अथी त्रिकोणमिति की भी बात करेंगे या बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे तो अलजेब्रा से आपको 20 नंबर आएंगे, और जब हम त्रिकोणमिति की बात करेंगे वहां से भी आपको 20 नंबर आएंगे, यानी 40 नंबर। पढ़ना क्या क्या है, बहुत आसान। त्रिकोणमिति में सिर्फ एक समकोण त्रिभुज को पढ़ना है, सिर्फ एक समकोण त्रिभुज, 20 अंक देंगे समकोण त्रिभुज। अलजेब्रा समकोण, जब त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो बिना अलजेब्रा के त्रिकोणमिति एक कदम आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि उसका जो ऑपरेशन होता है प्लस माइनस गुना भाग सभी अलजेब्रा देंगे, यानी इतने सूत्र का वो प्रयोग करेगा। ये सूत्र का प्रयोग करेगा, आखिर ये सूत्र आता कहां से है। अगर हम ये सूत्र बनाना नहीं जानते हैं तो हमारा बेमानी होगा पढ़ना, यानी हम समझ नहीं रहे हैं, सिर्फ याद कर रहे हैं। गणित याद करने का चीज नहीं है, समझने का चीज है। आप बस अलजेब्रा, इसलिए अलजेब्रा को बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही आसान है और बहुत ही खेल खेल में आप सीखेंगे। आइए हम बात करते हैं अब ए का, फिर ए ही आता है। ए का मतलब है पावर एक है, जो अभी हमने आपको बात किया। ए पर पावर दो, इसका मतलब क्या है, ये दो बार गुना हो रहा है। जब हम संख्या की बात करते हैं दो पर पावर एक तो दो, दो पर पावर दो, दो गुना दो चार। जब हम बात करते हैं ए पर पावर तीन तो एक गुना एक गुना एक, तीन क्या होती है 27, इस तरह से बढ़ रहे हैं। अब इसका प्रयोग कहां से होगा, क्या करेगा ये, बहुत आसान। थोड़ा सा इसको रुकते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, पहले अब दो चीज लेते हैं, जोड़ में एक चीज और सीखना है और घटाव में एक चीज और सीखना है, गुना और भाग में। मान लीजिए ए और बी दो राशि है, दो चर राशि है, ये क्या करेंगे, क्या हम सब खेल अपनाएंगे। अगर हम ए में बी जोड़ दें, कहें कि ए और प्लस बी दो संख्या, दो चर राशि है, इसको जोड़िए, क्या कीजिएगा, सीधे लिखेगा ए प्लस बी। लेकिन अगर इसमें हम कहें 2a प्लस डी जोड़ दीजिए, तब आप क्या कीजिएगा, आप लिखने के लिए सजाइएगा a प्लस बी 2a प्लस, यहां b नहीं है d, यानी 3a प्लस बी प्लस डी, उत्तर बनेंगे आपके। अगर इसी तरह इसका मतलब है कि अगर आम है और अमरूद है और इसको कहें जोड़ दीजिए, क्या कीजिएगा, आप आम जोड़ अमरूद लिखिएगा, और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं आपके पास है। इसी तरह इसके इससे हमने क्या सीखा, अगर राशि संख्या की चर मान यानी अंग्रेजी माला का छोटी अक्षर एक हो तब तो वो जोड़ेगा या घटा होगा,
अन्यथा सिर्फ उतर जाएगा, जैसे है वैसे ही रह जाएगा, कोई क्रिया नहीं करेगा, कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। यानी अगर हम तीन राशि ले लें, x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें अगर घटा दे माइनस एक्स माइनस वाई थ्री जेड, आप लिखना जानिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस थ्री जेड, आपको क्रिया करना है जोड़ना। आप यहां देख रहे हैं ये जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, लेकिन ये फोर जेड हो रहा है, उत्तर बन रहा है आपका फोर जेड, ये प्लस में हो रहा है आपका, ये आपका, चूंकि अगर मान लीजिए एक्स प्लस वाई और माइनस जेड ये करना है, क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, बहुत आसान है, एक शब्द में एक्स वाई, यहाँ कुछ नहीं, एक्स पर जीरो है, वाई जीरो है, यहाँ माइनस जेड है, सिर्फ अगर इस तरह से सीख रहे हैं सीखने का क्रम में तो माइनस जेड, ये उत्तर बनेंगे आपके। अब घटाव में क्या होगा, अगर दो चर राशि है और घटाव करना है, अगर a प्लस बी माइनस टू ए प्लस थ्री बी, अगर इस तरह से करना है तो क्या करेंगे आप, जो सामने है लिखेंगे a प्लस बी माइनस टू ए माइनस थ्री बी, घटाव में आपका नीचे का चिन्ह बदल जाता है, यानी ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो यहां से चिन्ह लेगा 3a प्लस 4b। लेकिन अगर इस तरह गुना हो x गुना 4x या माइनस लाट डालते हैं, बस खेल शुरू होता है, चारों ऑपरेशन एक साथ आएंगे, प्लस गुना माइनस माइनस, यहां पर छिपा हुआ है एक, एक गुना चार चार, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, उसी तरह माइनस ए गुना बी गुना माइनस थ्री बी सी, क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तीन दिया नौ, ए बी सी, चूंकि कोई भी राशि कोई भी संख्यात्मक मान मिल नहीं रहा है तो सीधे सीधे ए बी सी हो जाता है। भाग में आप क्या करेंगे, माइनस सिक्स ए स्क्वायर माइनस टू ए, इसको सरलता रूप आप एक आराम से कर सकते हैं, दो तरीका से भाग सकते हैं, एक तो ऐसे काट सकते हैं माइनस माइनस कट जाता है प्लस हो जाता है, तीन दुनी छ, यहां मतलब ए स्क्वायर का मतलब है ये इस तरह से है, बराबर थ्री ए। दूसरा तरीका है, आप अगर घातांक के नियम जानते हैं तो ये पावर एक है, दो पर एक जाता है तब एक हो जाता है, आप जैसे भी चाहे उस तरह से इसे हल कर सकते हैं। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बच्चे भाग देने में डरते हैं, जब चर राशि के साथ अलजेब्रा की बात होती है भाग बहुत सब लोग जानते हैं लेकिन हम लोग डरते हैं। मान लीजिए सिक्स ए ए क्यूब प्लस टू ए, इसमें क्या करते हैं, इसमें बहुत आसान है, पर यहां तो देखिए डिजिट एक अंक है तो आराम से तीन दूनी छो कौन सी लेंगे, ये कटना चाहिए, इसको जीरो होना चाहिए, यहां प्लस है तो यहां आपको माइनस लेना होगा, क्योंकि ये संख्या पहले हल होगा, संख्यात्मक मान का हल पहले निकलेगा, ये तभी होगा जब आप यहां माइनस लेंगे, माइनस यहां लेंगे तीन, तीन दूनी छ, एक में कितना जोड़ेंगे कि तीन आएगा, ए में आप दो जोड़ेंगे तो भी ये तीन बनेगा, और भाग में ये क्रिया चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस होता है इसलिए रिजल्ट जीरो होगा। अगर आप ये नहीं समझ पाए
तो आपको कठिनाई होगा, अलजेब्रा को सीखने में कठिनाई होगा। बहुत आसान है, सरल तरीका है कि आप अगर छोटा छोटा भाग लेते हैं अपने से तो आपको बन जाएगा। मान लीजिए थोड़ा कठिन लेते हैं हिसाब, अगर x प्लस वन भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस एस क्यू प्लस एस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इससे भाग देना है। अब आप क्या करेंगे, मेरा एक ही उद्देश्य होगा, सिर्फ एक उद्देश्य, पहला अंक को काटना और कुछ नहीं देखेंगे, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है छोड़ देंगे, इसका ये और इसका ये, सारा फोकस इस पर और इस पर। अब हम क्या करेंगे, ये तीन आएगा, आपको होगा कि ए पर पावर दो जोड़ेंगे तो ये तीन बनेगा। अब ये गुना हो रहा है एक्स प्लस वन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां एक्स स्क्वायर लिए हैं तो एस क्यू आएगा और एक्स स्क्वायर एस क्यू, चिन्ह बदल रहे हैं भाग में, ये भी कट रहे हैं ये भी कट रहे हैं, उतरेगा एक्स प्लस वन। अब आप कितना से लेंगे, अगर आपका संदेह हो कि आपका ये हिसाब बना है सही या नहीं तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, इसको आप जान सकते हैं कि आपका होगा नहीं, इससे और इसको गुणा कर दीजिए, आपका रिजल्ट अगर सही है तो सही है। x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन एस क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यानी हम जो हिसाब बनाए हैं वो सही है। आप इस अपने से टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस समय कोई टीचर आपको नहीं मिलेंगे और उस समय आपको खुद अपना शिक्षण करना है, तो ऐसे में आप आराम से हिसाब को जांचिए। आइए अब हम आपको इसके सूत्र निर्धारण कैसे होते हैं, हम इसके सूत्र पर बात करते हैं, सूत्र कैसे बनते हैं। आप अभी पढ़े हैं a बराबर a यानी पावर a, a पर पावर दो मतलब a गुना a, आप अभी पढ़ चुके हैं। मान लीजिए दो राशि है a प्लस बी पर पावर स्क्वायर, अगर पावर एक है पहले इसका मतलब क्या है a प्लस बी, अगर a प्लस बी पर पावर दो है इसका मतलब है a प्लस बी गुना a प्लस बी, अगर a प्लस बी पर पावर तीन है तो इसका मतलब है a प्लस बी गुना a प्लस बी गुना ए प्लस बी। ये तीनों सूत्र आपके लिए महत्वपूर्ण है, साथ में यहां प्लस यहां माइनस का भी, क्योंकि अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो माइनस भी आएगा। अब देखते हैं, पहले हमारा एक सूत्र का निर्धारण करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। अभी आप पढ़े ए प्लस बी गुना ए प्लस बी, चूंकि अंग्रेजी वाला का छोटी अक्षर पहले ए होता है, ए पढ़ा जैसे हम लोग यहां पर करते थे दो प्लस दो दो तीन चार गुना दो एक, इस तरह से अगर हम गुना करते तो पहले इकाई इधर करते थे, लिखते थे चार तीन दो आठ छ चार, चार आठ तीन ग्यारह और छो दो आठ एक नौ चार, इस तरह से करते थे। यहां थोड़ा सा हम अंतर करेंगे, चूंकि अंग्रेजी माला का छोटी अक्षर पहले ए आता है इसलिए हम ए से गुणा करेंगे, ए गुना ए
ए प्लस ए गुना बी प्लस ए गुना बी प्लस बी गुना बी। अभी आप इसके पहले में सिखाए थे कि ए गुना ए बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब इसका मतलब है ए बी का मतलब ए के बी, कभी भूल करके ए बी के झंझट में मत पड़िए, ये ए के बी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपका पहला सूत्र निर्धारण हो चुका है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका प्रयोग देखिए, आप तीन प्लस दो का होल स्क्वायर, इसका उत्तर हम पहले ही जानते हैं, तीन दो पांच का स्क्वायर, पांच गुना पांच बराबर पच्चीस। लेकिन इसको हम देखते हैं सूत्र पर, अलजेब्रा का सूत्र का प्रयोग, तीन प्लस दो तीन प्लस दो, तीन तिया नौ, तीन दूनी छ, तीन दूनी छ प्लस दो दूनी चार, नौ छो बारह चार, बारह चार सोलह नौ पच्चीस। आसान से हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए, अब यहां दिक्कत कहां आता है, दिक्कत जब चर राशि दो हो तब ये हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर की क्रिया को जोड़ करके उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम यहां पर 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर कर सकते हैं तो इसका मतलब हम ये ना लिख दे तीन दूनी छो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तीन दू पांच बराबर पच्चीस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, गलत होगा, पूरे गलत होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। यहां पर आपको आना पड़ेगा सूत्र पर, इसको गुना करना होगा, सूत्र कुछ नहीं है, गुना करने का तरीका है। यहां मतलब है 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का गुना सिखाए थे, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। या अब यहां पर हम इसी गुना का, इसी का जो गुना किए थे उसी का हम पुनरावृत्ति करते हैं। पहले होता है, हम फिर बार बार करते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, पहले चिन्ह का प्रयोग होगा, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, दो गुना दो गुना ए गुना ए प्लस दो गुना तीन ए गुना बी प्लस दो गुना तीन ए गुना बी प्लस तीन गुना तीन बी गुना बी, यानी ये सब हुआ प्लस चार ए स्क्वायर प्लस तीन दूनी छ ए बी प्लस छ ए बी प्लस नौ बी स्क्वायर। अब आप जोड़ेंगे चार ए स्क्वायर प्लस बारह ए बी प्लस नाइन बी स्क्वायर। इसको आप सूत्र पर भी बैठा सकते थे, ये था ए की जगह पर टू ए प्लस बी की जगह पर थ्री बी का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते थे टू ए का होल स्क्वायर प्लस दो गुना टू ए गुना थ्री बी प्लस थ्री बी का होल स्क्वायर, दो दूनी चार ए स्क्वायर प्लस तीन दूनी छः दूनी बारह ए बी प्लस नाइन बी स्क्वायर। तो बच्चों आज का महत्वपूर्ण जो हमने पाठ पढ़ाया वो एक सूत्र का निर्धारण किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम अगले क्लास में आपको बताने जा रहे हैं ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी का प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर व्हाट, ये सारे ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर व्हाट, ये सारे सूत्र का हम निर्धारण करेंगे। आप भी पढ़ लेंगे और कोशिश करेंगे जो भी हमने बताया उसका आप जरूर से जरूर
अभ्यास करेंगे, अभ्यास से आपके गुणों का विकास होगा।